समस्या क्या है? वो सर जीभ ने बताया जीभ कटी हुई है। जीभ कटी हुई है, अच्छा। मुंह खोल के दिखाने के बाद कैमरा में निकला। अच्छा, ये आपने अभी वो लगा रखा है पीएन? नहीं। दोबारा तो मुंह नहीं खोल पाते, खा नहीं पाते? कुछ नहीं। अच्छा, घोल करके भी पाते? ठीक है। तो कहाँ कहाँ दिखा लिया आप लोगों ने अभी तक? काफी जगह दिखा दिया है, भी गया है और कुछ चल रहा है, जानकारी आपके पास आए। अच्छा, तो क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं ऑपरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से हॉस्पिटल को दिखाया अभी तक? बड़े हॉस्पिटल दिल्ली एम्स, एम्स में दिखा दिया। ठीक है, और झांसी ग्वालियर दिखा लिया, दिल्ली एम्स दिखा लिया, ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो आप ऑपरेट नहीं कर रहे? ऑपरेट नहीं कर रहे। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी लिया अभी तक आपने? आयुर्वेद नहीं है। अच्छा, कोई रिलीफ उससे मिला है? बोला लेकिन पेन में रिलीफ नहीं, पेन में रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, तो आज आप हमारे पास आए हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो आज से हम हमारे प्रोडक्ट्स देते हैं। ओके दोस्तों, मेरा नाम बी एस भंडारी है, और जैसा कि आपने इनसे सुना, मनोज कुमार जी हैं जालौन जिले के, और इनको माउथ कैंसर है, और एक बड़ा ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है एलोपैथ में। जैसा कि आपको बताया कि इनका केवल पूरा जबड़ा ही निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, एज वेल एज एम्स के जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। तारीख है 4 सितंबर 2019, और एक महीने का भी इनको मैंने प्रोडक्ट दिया है। अब लेट्स सी एक महीने बाद क्या होता है, या 2 महीने बाद 3 महीने के लिए मैंने एटलीस्ट इनको बोला है, तो दोबारा से जब हम इनसे मिलेंगे तो फिर क्या इनको रिलीफ होता है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू। क्या परेशानी थी सुनील जी आपको? गाल में कैंसर था। कैंसर किस प्रकार का था? बाहर से ट्यूमर था या जख्म था? अंदर जख्म था, अंदर से जख्म था। पूरी बात बताएंगे आपको, कब ये हुआ था और कैसे हुआ था? ये कम से कम 8 महीने पहले हुआ था। आज से 8 महीने पहले? जी। और फिर इसके हमने फिर वहाँ केजीएमसी में दिखाया। केजीएमसी कहाँ? ये लखनऊ में दिखाया। लखनऊ में? तो वहाँ डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा इसका बाल काटा जाएगा, तो बाल काटने के बाद में जंग का मांस निकाल के इसको सर्जरी होगी, और 1.5 लाख रुपया बताया था खर्चे का। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, मुंह भी टेढ़ा हो सकता है। अच्छा, और केवल 1.5 लाख रुपया उसका जाएगा, केवल ऑपरेशन का, और दवाई जो चलेगी वो अलग से, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो क्या ऑपरेशन के बावजूद भी ठीक होने का कोई गारंटी वगैरह का आश्वासन नहीं दिया? कोई गारंटी नहीं दी। अच्छा, तो अभी आप बताएंगे कि इनको लगभग 1 हफ्ते में कैसा कितना आराम आ गया था? 1 हफ्ते में कम से कम इनको 25-30% आराम आया था। आराम क्या? पेन में था? हाँ, दर्द में भी, और सूजन का मुंह बिल्कुल बंद रहता था। अच्छा, मुंह बंद था? हाँ, बंद था। पानी वगैरह भी नहीं पी पाते थे। पानी भी नहीं पी पाते? पानी भी नहीं पी पाते थे। भोजन जो लिक्विड के रूप में लेते थे? पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम था, बिल्कुल खुलता नहीं था। ओके, मुंह नहीं खुलता? हाँ, बिल्कुल नहीं खुलता। ओके, तो आपने जो रीड आउट किया, लगभग इनको वॉच किया, तो इनको कितने दिन में लगभग आराम मिलने लग गया था? 1 हफ्ते के अंदर इनको। तो अब आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत आप ठीक हो गए? अब तो हम समझो आधे से भी ज्यादा सही हो गए। ओके, पहले आप रोटी भी नहीं खा पाते थे? केवल पानी पीते थे, पानी भी नहीं पी मिलते थे। अच्छा। और मूंग की दाल का पानी पीते थे। अच्छा, और आज हम रोटी खा रहे हैं। रोटी खा रहे हैं, बढ़िया से खा रहे हैं। और अभी आप चना भी चबा सकते? जी जी। और फिर भी आप आधे ही ठीक हुए? चलो, मैं जानना चाहूंगा कि आप इस तरह के जो मरीज हैं, उन मरीजों को आप इन प्रोडक्टों को लेने के लिए क्या कहना चाहोगे? इन दवाइयों को, आयुर्वेदिक जो एसलेपियस वेलनेस की जो हमारे औषधियां हैं, इनको लेने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये है हमारे सुनील जी, जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से है, और इनको माउथ कैंसर था। ये अपने लोकल शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में बरेली कई जगह पर अपना ट्रीटमेंट करा चुके थे। केजीएमसी जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ, वहां पर गए, और इन्होंने वहां पर जब दिखाया, चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने इनको बताया कि भाई इसका इलाज केवल ऑपरेशन है, और ऑपरेशन में आपका गाल काटा जाएगा, और उसके बाद में उसको जगह को भरने के लिए जांघ से मांस निकाल करके उसको लगाया जाएगा। लेकिन बावजूद उससे कोई गारंटी है नहीं है, खर्चा भी 1.5 लाख रुपया बताया था, और मेडिसिन का खर्चा अलग। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई मुझे मरना पसंद है, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और तभी इनको इनके भाई के रूप में एक देवता मिले, और इनके सगे भाई हैं जिन्होंने इसको इस हमारे आयुर्वेदिक एसलेपियस वेलनेस के इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताया,